हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 9, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फ्रॉम पेज नंबर 289। टुडेज टॉपिक इज डेटाबेसेस इन एसक्यूएल। एज वी सॉ इन प्रीवियस लेक्चर, व्हाट इज डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। जैसे स्कूल का डेटाबेस है, स्कूल के डेटाबेस में क्या क्या आएगा, स्टूडेंट डिटेल्स, टीचर डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, टीचर्स की सैलरी, ठीक है, स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये सारी टेबल्स आएंगे, ठीक है। अब टेबल में क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, आप जानते हो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट डेटाबेस, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन्फॉर्मेशन को किस में रखते हैं, टेबल में, और टेबल किसके अंदर होती है, डेटाबेस के अंदर। तो अब डेटाबेस को सबसे पहले आना चाहिए बनाना, तो अब देखते हैं कि डेटाबेस कैसे बनेगा, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस यू हैव टू राइट क्रिएट डेटाबेस कमांड, ठीक है। सिंटैक्स देखेंगे, पेज नंबर 289 में दिया हुआ है, ठीक है। टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएट डेटाबेस, कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, अब सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स एक प्रकार का एक स्टेटमेंट होती है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग एग्जांपल या कोड लिखते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स होगा क्रिएट डेटाबेस, मैंने जैसे बताया था स्मॉल और कैपिटल दोनों में आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे इफ नॉट एग्जिस्ट, ये कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो है कीवर्ड, ठीक है। तो इसको हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट। अभी कहाँ लिखेंगे ये मैं मंडे आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर में लिखना है हम लोग को, MySQL सॉफ्टवेयर में डेटाबेस नेम, लास्ट में सेमी कोलोन एंड होगा, ठीक है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ मेरे को स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो अभी मैं स्मॉल में लिख देता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा डेटाबेस। आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटाबेस। नाउ इफ नॉट एग्जिस्ट फिर अगेन डेटाबेस नेम, किस नाम का डेटाबेस बनाना है, स्कूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, MV स्कूल, मानसरोवर विद्यालय स्कूल, सेमी कोलन, ठीक है। ऐसा आप लिखोगे तो आपका डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। कहाँ लिखोगे, वो SQL MySQL जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या होता है। क्रिएट डेटाबेस ये तो आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इफ नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये लिखने से बेनिफिट ये होगा, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट मतलब जो हमारा MySQL सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें पहले से MySQL नाम का डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर नहीं बना है, मतलब इफ नॉट एग्जिस्ट नहीं बना है, तो क्या करेगा, ये इस नाम का डेटाबेस को बना देगा, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर 1003 किसी का है, ठीक है, तो वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ 1003 एग्जिस्ट है। अब जैसे कोई नया स्टूडेंट आता है, वो एडमिशन लेता है, तो क्या उसको मैं 1003 रोल नंबर दे पाऊंगा, क्या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो तो पहले से किसी को अलॉट है। तो वहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो नहीं है तो हाँ अलॉट हो जाएगा, अगर 103 किसी का नहीं है तो अलॉट हो जाएगा, अगर है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है, अगर माय सॉफ्टवेयर में ये डेटाबेस बना हुआ है इस नाम से, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर उसमें नहीं बना है तो बना देगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। आप ये नहीं लिखोगे ना तो भी हो जाएगा, पर अगर लिखते हो तो ये चेक करता है, ठीक है, चेक करता है कि बना है ये नहीं, अगर नहीं बना है तो बना देगा, ठीक है। और अगर बना हुआ होगा तो तब एरर आ जाएगा। एरर क्या होते हैं, एरर क्या होते हैं पता है,
एरर मतलब होता है एक मैसेज होता है जो बताता है कि आपने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। जैसे आपने लिखा और अगर पहले से बना हुआ है तो वो एक मैसेज देगा कि डेटाबेस MV School ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से बना हुआ है, तो आपको एक मैसेज देगा, उसको बोलते हैं एरर। एरर मतलब होता है मिस्टेक्स, कुछ आपने मिस्टेक की तो उसको एक मैसेज के रूप में शो करता है, ठीक है। इसको नहीं भी लिखोगे तो कैसे चल जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस, सिंपल राइट MV School सेमीकोलन, बस इतना लिख दो, डेटाबेस बन जाएगा। पर अगर बना हुआ होगा डेटाबेस आपके सॉफ्टवेयर में तो नहीं बनेगा, तब फिर एरर शो करेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको लिखने से वही बेनिफिट है कि इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं बना हुआ है तो बना देगा, ठीक है, और आपको मैसेज भी शो करेगा। अब ये डेटा हम देखेंगे कैसे, क्या बताया था मैंने, डेटाबेस का नाम क्या बताया, MV School, ठीक है, MV School बताया था। डेटाबेस नेम, ये क्या है हमारा डेटाबेस नेम, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डीबी नेम। डीबी नेम मीन्स डेटाबेस नेम। अब इसके अंदर मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल हो गई जैसे स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। ये आपके सामने एक ना ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होते चले कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट डिटेल्स, फिर टीचर डिटेल्स, टीचर डिटेल्स के बाद हो गया स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड, स्टूडेंट एकेडमिक मतलब जो भी उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड, फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल, जो जो हमारे स्कूल में बस हैं, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, बस का नंबर, बस का कलर, बस में सिटिंग कैपेसिटी कितने सीट हैं उसमें, ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट डिटेल्स में उसकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें। एकेडमिक में उसके टीचर डिटेल में टीचर का नेम, उसका डिजिग्नेशन, उसकी सैलरी, ये सारी चीज़ें, ठीक। ये अब टेबल बन गया, ये हमारा डेटाबेस बन गया, ये अब इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभी टेबल बनाने में टाइम है, ठीक है, अभी और भी कुछ स्टेप्स हैं, ठीक। आ जाओ पेज नंबर 290 आ गए। अब हाउ टू ओपन डेटाबेस, अब डेटाबेस तो बन गया आपका, ठीक है, उसको ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग डेटाबेस इज नॉट इनफ, बिफोर यू क्रिएट टेबल इन इट यू नीड टू ओपन द डेटाबेस। आपने डेटाबेस बना दिया, ठीक है, पर अगर आपको इसके अंदर टेबल बनानी है तो आपको इस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। पहले आप इसको ओपन करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। तो उसके लिए कमांड होती है यूज डेटाबेस, उसके लिए जो कमांड होती है पहले सिंटेक्स लिख देता हूँ, कुछ नहीं लिखना है आपको, USE, फिर डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। डेटाबेस हम किस नाम से बनाया है, MV School, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपके सामने, ओपन डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस को बनाने के बाद ओपन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा USE, यूज़ करना है जो भी नाम से आप, सेमी कोलन, बस इतना लिखो, हो गया। लिख के एंटर दबाना पड़ता है, ठीक है, तो बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। अब ये तो MV School बोलने से ये वाला स्कूल हो गया, ठीक है। अब मान लो कंप्यूटर एक ही है, उसमें जो हिंदी मीडियम वाला स्कूल है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, तो उस स्कूल का नाम क्या है, मान लो मैंने दे दिया उस, अच्छा उस स्कूल के लिए अलग डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा MV हिंदी मीडियम स्कूल या CG बोर्ड स्कूल, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे उनके डेटाबेस में रिकॉर्ड एंट्री करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनका डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यूज़ MV CG बोर्ड स्कूल या हिंदी मीडियम स्कूल, जो भी नाम से रहेगा, ठीक है। तो उसकी टेबल अलग बनेगी, इसकी टेबल अलग बनेगी, ठीक है, क्योंकि स्कूल अलग है वो, ठीक। ये हो गया यूज डेटाबेस। नाउ द ओनली थिंग यू नीड टू एंश्योर बिफोर ओपनिंग अ डेटाबेस इज दैट इट मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड। अच्छा, जब आप किसी डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये आप इसको यूज़ करने जा रहे हो, मतलब ओपन करने जा रहे हो, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये डेटाबेस पहले बन चुका है, नहीं बना होगा तो एरर आएगा, जब बना ही नहीं तो कैसे ओपन कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब टू चेक द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस यू मे राइट फॉलोइंग डेटाबेसेस, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर में, मतलब MySQL सॉफ्टवेयर में कौन कौन से डेटाबेस बने, ये तो अभी एक ठोक बनाए अपन,
ठीक है, हो सकता है पहले के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी बना के रखा हो, तो आपके कंप्यूटर में कितने डेटाबेस बने हैं देखने हैं आपको, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, उसके लिए लिखते हैं शो डेटाबेसेस, ठीक है, उसके लिए लिखते हैं शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस और सेमीकोलन, ठीक है। ये तो अपन जो बनाए उसको ओपन कर रहे हैं, क्यों ओपन कर रहे हैं, ताकि हम लोग टेबल बना सके इसमें, ठीक है। पर अगर आपको देखना है कि हमारे कंप्यूटर में कितने डेटाबेसेस बने हैं, ये तो भी एक ठोक है, तो आपको देखना है तो कैसे देखते हैं, ऐसा। अच्छा, जो आप लोग जो भी कुछ टाइपिंग का काम करोगे ना, जो भी आप लोग टाइपिंग का काम करोगे कंप्यूटर में, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, MySQL, फिर ऐसा एंगुलर ब्रैकेट दिखेगा, फिर ऐसा आप पूरा टाइप करोगे कमांड, ये जो आप पूरा टाइप करोगे ना, इस एंगुलर ब्रैकेट के आगे टाइप करोगे, ठीक है। अब आपको देखना है शो डेटाबेसेस, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा शो डेटाबेसेस, और कैसा आउटपुट दिखेगा ये देखो बुक में लिया हुआ है, पेज नंबर 290 में देखो डायग्राम बना हुआ है ऐसे डॉटेड वाला, ये देखो, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर आ जाएगा ये डेटाबेस, डेटाबेस है हम लोग, मैंने किस नाम से बनाया, MVSchool, तो MVSchool दिख जाएगा आपको, और एक एक ठोक यहाँ पे भी दिख जाएगा MVSchool लिखा हुआ, ठीक है। आपने लिखा सो डेटाबेसेस, तो अच्छा अभी एक ही बना है, ठीक है, अगर मान लो सीजी बोर्ड वाला भी बना होता तो यहाँ दिखता है MV हिंदी मीडियम स्कूल या सीजी बोर्ड स्कूल, ठीक है, तो अभी एक बना है इसलिए। तो ये हो गया डेटाबेस को ओपन करना हम लोग सीख गए, और उसको देखना भी सीख गए कि हाँ कैसे देखते हैं। अब रिमूविंग डेटाबेस, ठीक है, रिमूविंग डेटाबेस मतलब ये डेटाबेस आप बना चुके हो, कौन से नाम से बनाए हो, MVSchool, मान लो आपको लगता है कि नहीं कुछ गलती हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट मतलब रिमूव भी कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तो इसके अंदर कोई टेबल नहीं बनाया, अगर मान लो इसके अंदर दो तीन टेबल बना देते, ठीक है, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स बना दिए, टीचर डिटेल बना दिए, ठीक है, अब इसमें रिकॉर्ड भी डाल दिए, ठीक है, रिकॉर्ड भी डाल दिए, और आप अब बोलते हो कि मैं डेटाबेस को डिलीट करने जा रही हूँ, मतलब ये वाला डेटाबेस डिलीट करने जा रहा हूँ, तो याद रखना ये डेटाबेस डिलीट करोगे तो इसके अंदर जो टेबल है वो भी डिलीट हो जाएगी, और टेबल के अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, वो भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट डेटाबेस डिलीट नहीं किया जाता, अगर आपको डिलीट करना है तो एक आध दो रिकॉर्ड डिलीट करो, अगर नहीं लगता कुछ मिस्टेक हो गई है तो हाँ एक टेबल डिलीट कर सकते हो, तो ये तीनों तो बचा रहेगा, पर अगर इसको डिलीट कर दिया तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आज क्लास 11 को मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, क्लास 11 के बच्चे बहुत बदमाश हैं, उनकी मैं क्लास नहीं लूँगा, तो क्लास नहीं लूँगा मतलब सभी बच्चों की क्लास नहीं लूँगा, ठीक है, वो पूरी क्लास ही डिलीट उस दिन, ठीक, रिमूव हो गई, ठीक। तो अब ये MySQL बन गया, अब इसको डिलीट या रिमूव कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पेज नंबर 290 में नीचे है 9.4.3 रिमूविंग डेटाबेस, उसके लिए आपको लिखना है, सिंटैक्स लिख देता हूँ मैं, रिमूव डेटाबेस, डेटाबेस को शॉर्ट में लिख रहा हूँ DB। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स एक प्रकार का फॉर्मेट होता है कि हमको वैसा लिखना है, ठीक है। तो देखो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, फिर उसके बाद लिखते हैं डेटाबेस नेम, जो भी डेटाबेस नाम आपने बना, जो भी नाम से आपने डेटाबेस बनाया है, डेटाबेस नेम, ठीक है, ये यूज़ मिटेगा। ठीक है, ये सिंटैक्स था, अब एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। आपको डेटाबेस को डिलीट करना है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या बनाया, MVSchool, ठीक है, तो इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा कंप्यूटर में ना, यहाँ तक लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसके आगे आपको टाइप करना है, तो आपको डिलीट करना है तो लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस, ठीक। अच्छा, मैं ये शॉर्ट में DB लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर शॉर्ट में DB मत लिखना ना, डेटाबेस मतलब डेटाबेस लिखना है, ठीक है। अब मेरे MVSchool, एक और चीज़ ध्यान रखना, रिमेंबर वन थिंग, नो नीड टू पुट दिस एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, ये सिंटैक्स है,
दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है, कि इसमें आपको डेटाबेस नेम लिखना है। यहाँ पर मैंने एंगुलर ब्रैकेट लगाया क्या? नहीं लगाया, ठीक है, वो आपको बताने के लिए है कि हाँ वो डेटाबेस नेम डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये लिखकर उस डेटाबेस को डिलीट करोगे, तो डिलीट करोगे तो उसके अंदर अगर आपने टेबल बनाई है तो वो टेबल भी डिलीट हो जाएगी। अभी तो बनाया नहीं हो तो करके वो खाली है तो डिलीट हो जाएगा वो, ठीक है। बस यही चीज़ ध्यान रखना है, बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन डू मेक श्योर दैट यू डोंट डिलीट डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल ऑफ डेटाबेस, दैट इज़ बिकॉज व्हेन यू ड्रॉप अ डेटाबेस ऑल इट्स टेबल ऑल्सो गेट रिमूव, अब पूरी टेबल भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। चलो तो ये रिमूविंग डेटाबेस हो गया। नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू क्रिएट टेबल, ठीक है। फाइनली अब क्रिएट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया डेटाबेस डिलीट करते हैं, अभी ये मान के चलो मैंने डिलीट नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए क्या लिखते हैं, यूज़ डेटाबेस, ठीक है। शो लिखने की जरूरत नहीं, शो तो जस्ट देखने के लिए होता है कि क्या बोलते हैं कितने डेटाबेस आपके में बने हैं, ठीक है, वो देखने के लिए होता है। अब टेबल बनाना सीखेंगे, क्रिएट टेबल, ठीक है। कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसका पहले सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। टेबल्स आर डिफाइंड विथ द क्रिएट टेबल कमांड, व्हेन अ टेबल इज क्रिएटेड इट्स कॉलम आर नेम्ड, डेटा टाइप एंड साइज आर सप्लाइड फॉर ईच, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में आते हैं। क्रिएट टेबल, आपको क्रिएट टेबल लिखना है, कंपलसरी है। उसके बाद लिखना है टेबल का नाम, जिस नाम से आपको टेबल बनानी है उसका आपको लिखना है टेबल का नाम, टेबल नेम, ठीक है। अब टेबल नेम तो बनानी है तो उसके अंदर हमको कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कॉलम नेम देना है, COLUMN कॉलम नेम। अब कॉलम नेम तो बना रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो रोल नंबर। अब रोल नंबर किस टाइप का होता है, नंबर टाइप का होता है, तो उसका डेटा टाइप भी बताना है, ठीक है। तो आपको कॉलम नेम लिखने के बाद लिखना पड़ता है डेटा टाइप। अब ये तो बता दिया आपने कि हाँ इस रोल नंबर में क्या होगा, नंबर टाइप का होगा, तो नंबर की भी तो डिजिट होती है, 4 डिजिट का रोल नंबर होगा कि 6 डिजिट का होगा कि 10 डिजिट का होगा, ठीक है। तो वो साइज़ भी आपको बतानी है, तो साइज़ बताने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं साइज़। ये तो अभी सिंटैक्स है, एग्जांपल भी बताया नहीं है। तो अभी एक कॉलम बनाए ऐसी कॉमा देकर, ठीक है, याद रखना न्यू, अगर नेक्स्ट कॉलम देना है तो फिर से कॉमा दे दो और फिर से लिखो कॉलम नेम, COUMN कॉलम नेम, फिर देन अगेन राइट डेटा टाइप, देन अगेन राइट साइज, ठीक है। इतना होने के बाद ऐसा आप कॉमा दे देकर आप और बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, एक ये वाला पैरेंथेसिस लगेगा, राउंडेड ब्रैकेट, और लास्ट में सेमी कोलन, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था, राउंडेड ब्रैकेट, और लास्ट में वही क्लोज भी होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आप मुझे टेबल बनानी है, मान लो स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, ये टेबल बनानी है। तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम तो मैं लिख रहा हूँ STU डिटेल्स। मैंने शॉर्ट में STU डिटेल्स लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हो स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। बस रिमेंबर वन थिंग, नो नीड टू पुट स्पेस बिटवीन स्टूडेंट एंड डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट और डिटेल्स के बीच में स्पेस मत देना, ठीक है। आप चाहो तो ये अंडरस्कोर दे सकते हो, जैसे ऐसा, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, डैश नहीं है ये, ठीक है, डैश ऐसा होता है बीचों बीच में होता है, ठीक है, ये होता है अंडरस्कोर, ठीक है। या तो आप दोनों को मिक्स कर दो या तो फिर ये अंडरस्कोर लगा दो, स्पेस मत देना, ठीक है, स्पेस नहीं देना चाहिए। ऐसी कॉलम का नाम दोगे ना तो उसमें भी स्पेस मत देना, भले अंडरस्कोर दे दो, ठीक। ये हमारा टेबल नेम मैंने टाइप कर दिया, अब राउंडेड ब्रैकेट ओपन होगा, फर्स्ट कॉलम इज दैट रोल नंबर, ये मेरा कॉलम नेम हो गया। अब एक स्पेस देना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा डेटा टाइप, किस टाइप का चाहिए आपको,
नंबर टाइप का, तो अभी मैं लिख देता हूँ इंटीजर, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था नंबर तीन कैटेगरी के होते हैं, एक इंटीजर होता है मतलब विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाले, ठीक है। दूसरा होता है फ्लोट, वो होते हैं दशमलव वाले, ठीक है। ऐसी डेसिमल भी होता है और भी बड़े होते हैं। तो पहले मैं इंटीजर ले लिया, अब इसकी मुझे साइज़ भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इंटीजर की साइज़ नहीं होती, नहीं इसमें कैसे नहीं दिया, इंटीजर की तो साइज़ होती है, ठीक है। इंटीजर की भी साइज़ होती है, इस बुक में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था ना, कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप, ये आपका डेटा टाइप हो गया। अब बताना है साइज़, तो साइज़ मैं दे देता हूँ यहाँ पर, मान लो कितने कैरेक्टर, फोर नंबर, ठीक है, फोर डिजिट का होगा, ठीक है। फोर डिजिट बोलने से मतलब वन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 999, फोर डिजिट का है ना ये, इससे आगे तो 10,000 हो जाएगा, तो फिर वो फाइव डिजिट हो जाएगा, तो वन से लेकर उत्तर तक जाएगा, ठीक है। अब फिर कॉमा, अब मुझे स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट कॉलम नेम, एस नेम लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम। अच्छा, एस नेम को मैं ले लेता हूँ वेयर केयर, केयर भी ले सकता हूँ, पर मैंने कल बताया था ना केयर और वेयर केयर में क्या डिफरेंस है। केयर बोलने से वो अगर जैसे मैंने साइज़ दी है, अच्छा वेयर केयर की साइज़ मैं यहाँ दे देता हूँ, मान लो 50 कैरेक्टर, तो अगर मैं केयर दूंगा तो 50 कैरेक्टर बोलने से वो जैसे मान लो राम 3 कैरेक्टर है, तो फिर कितना बचा, 47 में वो स्पेस को भर देगा और पूरा 50 ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो गलत है, बेकार है, क्या मतलब अननेसेसरी। उससे अच्छा वेयर कर दो 3 कैरेक्टर तो 3 ही लेगा, ठीक है, तो वेयर कर लेना ज़्यादा बेस्ट है। कॉमा, अब नेक्स्ट कॉलम मैं लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, DOB, शॉर्ट में मैं DOB लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होता है डेट, ठीक है। इधर लिखूँ, इधर नीचे लिखता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है, डेट, ठीक है, डेट हो गया। डेट की कोई साइज वाइज नहीं होती, ठीक है। और जेंडर चलो ले लेते हैं, एक और कॉलम जेंडर, ठीक है। जेंडर क्या होते हैं, एक तो मेल होता है तो फीमेल होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लेता हूँ कैरेक्टर, ठीक है, चले गए सिंगल, एक ही तो कैरेक्टर लेना है मेरे को। अब इसकी साइज देता हूँ 1, ठीक है, ये चल जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर मतलब 1 ही होगा, ठीक है, मेल या फीमेल, ठीक, ये हो गया। अब लास्ट में ये वाला ब्रैकेट जो हमारा ये ओपन हुआ था वो क्लोज होगा, ये ऐसा और सेमीकोलन, क्लियर। तो ध्यान से देखना, टेबल नेम, फिर राउंडेड ब्रैकेट ओपन, रोल नंबर, फिर उसका डेटा टाइप, फिर उसकी साइज मैंने 4 दी, 4 डिजिट 1 से 999, फिर स्टूडेंट नेम, वेयर केयर, 50 कैरेक्टर्स एक स्टूडेंट का नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ उसका मैंने डेट दिया है, जेंडर मेल या फीमेल हो सकता है, ये फिर लास्ट में ये पैरेंथेसिस क्लोज, क्योंकि ये ओपन है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे फिर क्लोज होगा और लास्ट में सेमी कोलन, ठीक। अब आपकी जैसे आप एंटर प्रेस करोगे वैसे आपका टेबल बन जाएगी, ठीक है, और मैसेज आएगा टेबल क्रिएटेड, ठीक है। अब ये आपकी टेबल बन गई, तो कैसा ये बनेगा इसका आउटपुट बताता हूँ आपको। अभी सिर्फ आपने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला रोल नंबर बनेगा, हेडिंग रोल नंबर, फिर होगा स्टूडेंट नेम, एस नेम, DOB, फिर लास्ट है जेंडर, ये आपका बन गया टेबल, ठीक है। क्या नाम से बना है, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, स्टूडेंट स्पेलिंग गलत, STU, अच्छा ठीक है, DE स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर, TAILS, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, ये आपकी टेबल बन गई। तो इस टाइप से हम लोग टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करना, रिकॉर्ड इंसर्शन के लिए कि बुक में आगे दे दिया जबकि देना चाहिए था यहीं पर, आ जाओ आप लोग पेज नंबर 301, ठीक है, थोड़ा सा आगे का बता दे रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है जानना, पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करना। थ्री ज़ीरो वन आ गए, 301 में नीचे आओ, इंसर्ट डेटा इन टेबल,
ठीक है, नीचे साइड बॉटम साइड में दिया हुआ है। ठीक है, टेबल हमारी बनके रेडी हो गई। ठीक है, अब इस टेबल में हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, क्लास एट में याद होगा आप लोग एम एस एक्सेस पढ़े थे। ठीक है, एक्सेस या एक्सेल, एक्सेल में क्या करना पड़ता है, वो पूरा रो बना रहता है, कॉलम बना रहता है, फटाफट एंट्री करो, हो जाता है रिकॉर्ड और सेव कर दो। ठीक है, पर इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, टेबल बनाना पड़ता है और इंसर्ट करने के लिए विलंबा छोड़े क्वेरी लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बड़े बड़े बनते हैं वो सब के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, एक्सेस क्यों यूज़ नहीं होता, एक्सेल क्यों यूज़ नहीं होता, क्योंकि अगर उसमें आप छोटा रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हो, मतलब जैसे स्कूल में 1 लाख 2 लाख रिकॉर्ड, मतलब 1 लाख 2 लाख बच्चे तो नहीं रहते, पर मान लो एक साल में यहाँ पर 700 बच्चे पढ़ रहे हैं एक साल में, क्लास 6, 7, 8, 12 तक मिला के। ठीक है, ऐसे दूसरे साल में भी 700, तो हर साल का रिकॉर्ड स्टोर ये लोग टाइप करते हैं स्कूल में, तो ऐसा करके मान लो 10 साल बाद 1 लाख 2 लाख बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड तो होगा सॉफ्ट कंप्यूटर में। तो एक्सेल में ना ज़्यादा रिकॉर्ड आप स्टोर नहीं कर सकते, 2 लाख इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, पर ये जो हमारा MySQL जो सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारा रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी या बड़े सॉफ्टवेयर की इसीलिए। चलो, अब इंसर्ट डेटा, ये टेबल हमारी बन गई, अब इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं। इंसर्ट डेटा, उसके लिए सिंटैक्स लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको इंसर्ट, इंसर्ट मतलब स्टोर करना, सेव करना। ठीक है, मतलब इसमें रिकॉर्ड को ऐड करना। ठीक है, इंसर्ट इनटू ऐसे लिखना पड़ेगा, और टेबल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अंडरस्कोर नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग जो आप लोग टाइप करोगे ना सोच समझ के करना, जो टेबल का नाम दिया वही लिखना, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी कॉलम में आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, एक मिनट, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, राउंडेड ब्रैकेट आएगा। ठीक है, वो सिंटैक्स में ऐसा दिया है स्क्वायर ब्रैकेट, पर एग्जांपल में वैसा नहीं रहता। ठीक है, कॉलम, ठीक है, अब कौन कौन सा कॉलम है, पहला है रोल नंबर है। ठीक है, मैं सिंटैक्स में लिख के एग्जांपल बताऊं डायरेक्ट। ठीक है, बुक में तो दिया हुआ है सिंटैक्स, ये देखो। ठीक है, 301 में लास्ट में दिया हुआ है सिंटैक्स, लास्ट में एकदम। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स ही बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता, उसके बाद बताऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉलम की लिस्ट लिखते हैं, कॉलम की लिस्ट मतलब कौन कौन सी कॉलम में हम लोग इंसर्ट करेंगे, COLUMN कॉलम नेम, फिर कॉमा, अगेन कॉलम नेम, COLUMN कॉलम नेम। ये इसलिए लिखते हैं ना, जैसे इस टेबल में मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मान लो मुझे अभी सिर्फ 2 ही कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, मान रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, तो मैं क्या करूँगा, रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम, बस इतना लिख दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही कॉलम में इंसर्ट होगा डेटा, ये 2 कॉलम में नहीं होगा। ठीक, उसमें इंसर्ट करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा लिखना पड़ेगा और फिर इस कॉलम नाम और उस कॉलम का नाम देना पड़ता है, ऐसे कॉमा करके आप दे सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, अब ये तो आपने कॉलम का नाम लिख दिया कि हाँ ये 2 कॉलम में मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, पर वैल्यू कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उसके लिए लिखते हैं वैल्यूज लिखते हैं, फिर उसके बाद value 1, कौन सी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये जो कॉलम रहेगा ना उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट है, फिर कॉमा value 2, कौन सी वैल्यू, इसकी, ये वाले कॉलम की। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा सेमी कॉलम। ठीक, अब एग्जांपल बताता हूँ तो जो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसी टेबल में बताता हूँ, ये अपना स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अब आपको लिखना पड़ेगा कॉलम का नेम, तो कौन कौन सा कॉलम में मेरे को चाहिए, मान लो अभी सिर्फ मेरे को रोल नंबर और स्टूडेंट नेम में चाहिए, रोल नंबर लिखना, फिर
एस नेम लिखना, स्टूडेंट नेम, फिर ये क्लोज कर देना, ठीक है। अभी मेरे को सिर्फ दो ही में चाहिए, ठीक है, याद रखना जैसा लिखा हुआ है वैसा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी स्पेस नहीं है, ठीक। एस नेम भी कंटिन्यू, ये हो गया। अब लिखोगे वैल्यूज, फिर राउंडेड ब्रैकेट ओपन करोगे, तो अब किसकी पहली वैल्यूज किसकी है, रोल नंबर, तो मान लो रोल नंबर लिख दिए 1001, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम, ठीक। याद रखना जब भी हम कोई स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर, तो वो हमेशा किस में होता है, सिंगल कोट में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम है, तो मान लो स्टूडेंट का नाम है राम, तो ये ऐसा सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद राउंडेड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में सेमी कोलन, ठीक है। और बस एंटर प्रेस कर दो, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो लिख के आएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आपने क्या लिखा है, 1001, तो 1001 रोल नंबर हो गया, और स्टूडेंट नेम क्या हो गया, राम। अभी उसका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर नहीं इनपुट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या बताया, सिर्फ दो कॉलम में, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन ओनली टू कॉलम्स, देन यू हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ वी कैन राइट, हाउ वी कैन इनपुट रिकॉर्ड्स इन ऑल कॉलम, कैसे हम सारे कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई नीड 1 मिनट ब्रेक, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन इंसर्ट ऑल रिकॉर्ड्स इन ऑल कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया था सिर्फ दो कॉलम में आपको रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते थे, अगर आपको चारों कॉलम में 1, 2, 3, 4 कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इतना पहले से लिखा हुआ दिखेगा MySQL आपको, उसके लिए लिखना है इंसर्ट इनटू एसटीयू डिटेल्स मीन्स टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल्स, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखना है वैल्यूज, ठीक है। आपको कॉलम लिखने, कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यूज लिखोगे, तो डिफरेंट वैल्यू लिखना, सेम लिखने का कोई मतलब नहीं है। 1002 नेम आप लिख दो सीता, ये आपका याद रखिएगा सिंगल कोट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कोई सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, कॉमा लगेगा यहाँ पर, ठीक है, कॉमा, ठीक है। ये रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। नेक्स्ट जेंडर, तो जेंडर भी क्या है, कैरेक्टर है, ये तो मेल या फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल है सीता, तो इसको सिंगल कोट में लिखना है और लास्ट में राउंडेड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में सेमी कोलन, क्लियर है ये, ठीक है। इस टाइप से आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अगर आप ऑल कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो, कॉमा कॉमा के साथ आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाओ और लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, ठीक है, एक पहले से आपने इंसर्ट करके रखा था राम के लिए और दूसरा अभी सीता का रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, तो सीता का रोल नंबर क्या है, 1002 नेम है सीता, ये आउटपुट हो जाएगा आपका, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट को शॉर्ट में O/P लिखते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है, 7/3/2004 और जेंडर है फीमेल, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर दिए, ठीक। तो आपको ऐसे और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो सेम इंसर्ट इनटू लिखते चले जाओ, ठीक है। और टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले आपको पता है कि डेटाबेस को यूज़ करना पड़ता है, मतलब ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं।
चलिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना आपने सीख गए, ठीक है। अब देखते हैं कि टेबल को कैसे देखते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन शो ऑल द रिकॉर्ड्स, मतलब टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, डेटाबेस बनाना सीखा, डेटाबेस को ओपन करना सीखा, फिर उसके बाद टेबल को क्रिएट करना सीखा, अब टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखा, ठीक है। अब रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, ओके। अब मेरे को देखना है कि उस टेबल में कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, ये जो सेव हो गया है इसको देखना है मुझे कि कंप्यूटर में कैसे रिकॉर्ड को हम लोग देख सकते हैं। तो आप देखो पेज नंबर 305 में आओ, 305 उसमें दिख रहा है द सेलेक्ट कमांड, ठीक है। अगर आपको डेटा अपने टेबल बना ली, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, अब आपको देखना है उस टेबल में कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड, ठीक है। सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स आपकी बुक में दिया है, मैं नहीं बताऊंगा। सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम्पल बताता हूं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। MySQL, ठीक है। अब जैसे ये हमारी टेबल बनी है, कौन से नाम से है, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। मुझे इसके रिकॉर्ड देखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम टेबल नेम मेरा क्या है STU डिटेल्स, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। अब जो आपकी बुक में दिया है कॉलम नेम, कॉलम नेम उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल ये जान लो स्टार, इसका मतलब होता है ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है। सेलेक्ट कीवर्ड है, फ्रॉम भी कीवर्ड है, ये है टेबल नेम, ठीक है। स्टार ऑल करोगे तो इस टेबल में जितने कॉलम हैं, ठीक है, ऑल कॉलम शो होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स में कितने कॉलम है, चार, 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टार मतलब ऑल, ऑल कॉलम आएगी, ठीक है। तो आप ये लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये इस टेबल में जितने रिकॉर्ड होंगे, चाहे 2 हों चाहे 2 लाख हो, सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे, ठीक है, और पूरी कॉलम शो होगी, ठीक है। अब इससे क्लियर है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, इससे क्या होता है पूरे रिकॉर्ड शो होंगे पूरे कॉलम के साथ। अब अगर आप सिर्फ चाहते हो कि मुझे सिर्फ रोल नंबर देखना है और डेट ऑफ बर्थ देखना है तो क्या करोगे, तो उसके लिए जो सिंटैक्स लिखा हुआ है वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको ये नहीं, यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 305 में लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट, पैट नाम की उन्होंने टेबल बनाई है, उससे रिकॉर्ड देख रहे हैं, ठीक है। अपन तो अपना है स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक। अब मुझे कॉलम वाइज देखना है, अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा MySQL, ये तो लिखा हुआ रहेगा, आपको लिखना है सेलेक्ट एस नेम कॉलम नेम, और कौन सा चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ। अभी सिर्फ मुझे दो ही रिकॉर्ड देखना है, फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है बताओ, टेबल नेम क्या है हम लोग का, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, बस हो गया। सेलेक्ट एस नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या होगा, सिर्फ आपको रोल नंबर सॉरी ये दिखेगा, इतना रिकॉर्ड दिखेगा, ये सिर्फ इतना दिखेगा, स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, वो रोल नंबर और जेंडर नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, तीन चाहिए मतलब, तो फिर क्या करोगे, कॉमा लगाकर सेंडर, ठीक है। अगर तीन कॉलम के रिकॉर्ड चाहिए तो क्या लिखोगे, कॉमा लगा के आपका ये लिख दो, कॉलम का नाम लिख दो, जेंडर फ्रॉम टेबल नेम STU डिटेल्स, बस, तो क्या होगा, फिर ये तीनों रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिकॉर्ड को देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ क्लास, आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।